कर रहे हैं रेमेडियम लाइफ केयर लिमिटेड की। आज के दिन की बात करें तो आज के दिन भी हमको स्टॉक में 5% का ALC लगता नज़र आ रहा है। गिरावट जो है रेमेडियम में कंटिन्यू होते नज़र आ रही है। इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था कि स्टॉक लगातार गिरावट में यहाँ से बड़ी सेलिंग दिखा सकता है। तो अब हम इसको थोड़ा सा मंथली कैंडलस्टिक पर देख सकते हैं कि पिछले वीडियोस में भी हमने मंथली कैंडलस्टिक पर इसको एनालाइज करने की कोशिश की थी। पहले हम वीकली देख लेते हैं, वीकली समझ लेते हैं, बाद में फिर मंथली देखते हैं। तो हम देख सकते हैं स्टॉक इस वक्त जहाँ क्लोजिंग दे गया है ये इसका सपोर्ट लेवल ही है। हमने इस बात को डिस्कस भी किया था, 9.20 रुपये 9 रुपये का जो लेवल है मेजर सपोर्ट रहेगा। देख सकते हैं आप एक डॉटेड जो रेड लाइन दिख रही है इसके सपोर्ट एरिया पर ही है, लेकिन गिरावट कंटिन्यू है, LC लग चुका है तो यहाँ से और गिरावट दिखा सकता था। अगर इस सपोर्ट पे LC नहीं लगता, कंसोलिडेशन जोन होता तो चांस बनते फिर रिकवरी के यहाँ से, लेकिन स्टॉक में LC लग चुका है लगता नज़र आ रहा है तो और गिरावट कंटिन्यू दिखा सकता है। तो अगर इस सपोर्ट को स्टॉक ब्रेक डाउन कर गया 9.20 रुपये 9 रुपये के लेवल को, 9 रुपये इसका इस लेवल से भी आगे नाम को हो सकता है आने वाले ट्रेडिंग डे में 9.20 रुपये 9 रुपये के आसपास स्टॉक में ट्रेडिंग देखने के लिए मिले, यानी LC जो है वो ब्रेक होता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन अगर गिरावट कंटिन्यू होती है, 9 रुपये के सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन कर जाता है तो वैसे कंडीशन में 8.40 रुपये और फिर 8.20 रुपये से लेके 8 रुपये तक का भी फॉल स्टॉक दिखा सकता है, यहाँ तक की भी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। अगर हम वीकली इस पर सपोर्ट लेवल देखें तो ये जो फिर एक ग्रीन कैंडल देख रहा है इसका जो टॉप बनता है देख सकते हैं हम 8 रुपये का ऑलमोस्ट है 8.30 रुपये 40 रुपये के आसपास, और इसको ब्रेक डाउन कर गया तो फिर ये जो इसका बॉटम है वहाँ तक का फॉल स्टॉक दिखा सकता है। लेकिन अगर अब स्टॉक में जंप आता है, रिकवरी आती है तो हमको थोड़ा सा अवेयर रहकर चलना होगा, इसमें फ्रेश पोजीशंस के लिए अवॉइड करना है हमको। एटलीस्ट स्टॉक को किसी एक लेवल पर कंसोलिडेशन जोन में रहने देते हैं। अगर इस तरह से स्टॉक ट्रेड करता नज़र आता है किसी एक लेवल में इस तरह से ऐसे, तो फिर वैसे कंडीशन में रिकवरी के चांस बनेंगे, या तो फिर बाउंस बैक करके एटलीस्ट 11.50 रुपये 12 रुपये के लेवल को ब्रेकआउट कर गया तो फिर वैसी कंडीशन में स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखा सकता है। तो फिलहाल स्टॉक गिरावट में तो इससे दूर रहना ही ठीक रहेगा। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।